को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर NH91 पर साल 2016 में हुए लूट और परिवार को बंधक बनाकर मां बेटी से गैंगरेप के मामले में मुख्य आरोपी सलीम बाबरिया की जेल में मौत हो गई। सलीम बाबरिया 2018 से बुलंदशहर जिला कारागार में बंद था, जबकि मृतक सलीम पिछले काफी समय से किडनी के रोग से ग्रस्त था। सलीम साल 2016 के बहुचर्चित NH91 पर हुए लूट और मां बेटी से गैंगरेप का मुख्य आरोपी था। पुलिस अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि पिछले काफी समय से सलीम के किडनी के रोग का उपचार किया जा रहा था, जबकि दो दिन पहले भी सलीम का डायलिसिस कराया गया था। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि किडनी फेल हो जाने के कारण सलीम की मौत हुई है। सलीम, अच्छा जेल में क्यों बंद था? ऐसे केस में बंद था जी। अच्छा, अब क्या हुआ? मर गया जी। कैसे? बस ऐसे ही, उसे बहुत बीमारी हो गई थी। अच्छा, किस चीज की? किडनी खराब हो गई थी। हाँ। कहाँ का रहने वाले हो? तिरवा, बनौरा, कन्नौज जिला। कन्नौज जिला। वर्ष 2016 में NH91 पे एक गैंग रेप की घटना हुई थी। उस घटना में संलिप्त अपराधी सलीम बाबरिया की आज सुबह मृत्यु हो गई है। ये किडनी रोग से पीड़ित था और इसका इलाज राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चल रहा था। आज सुबह इसकी स्थिति बिगड़ी और किडनी के रोग के कारण ही इसकी मृत्यु हो गई है। इसकी पूरी जाँच की जा रही है और जाँच उपरांत जो भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस अधिकारी ये भी दावा कर रहे हैं कि मौत से जुड़े बाकी पहलुओं पर बारीकी से जांच कराई जा रही है। अगर जांच के बाद कोई अन्य तथ्य सामने आया तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।